अब शमशान भैरव का स्थान शमशान है। आप शमशान भैरव की उपासना घर में करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको उन सब चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा जो उनकी पूजा में उनकी उपासना में प्रयुक्त होती है, यानी कि तामसिक चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब तामसिक चीजों का अगर आपको प्रयोग करना पड़ेगा, आप घर में जब तमस लेके आएंगे तो भगवान भैरव अकेले तो है नहीं, असंख्य उनके साथ उनके भूत प्रेतगण इत्यादि चलते हैं। तो जिस प्रकार के भैरव, जिस प्रकार का रूप, उस प्रकार के उनके गण, तो भगवान भैरव ही इतने महाक्रोधी हैं, उनका तो सौम्य रूप भी महाअटी है, महाक्रोधी है, उनके जो गण है वो तो और उपद्रवी होंगे, उनकी शक्ति का ऑरा आपका स्वयं का ऑरा बनना शुरू हो जाएगा, उनकी शक्तियां आपके आसपास घूमना शुरू हो जाएंगी, आप चाहे ना चाहे आपका व्यवहार उग्र होता चला जाएगा, और जब आपका व्यवहार उग्रतम होता चला जाएगा तो हो सकता है आपके पास शक्तियां बहुत हो जाएं, वाक सिद्धि आ जाए, वचन सिद्धि आ जाए, कुछ भी आप कार्य करें तो उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन घर आपका बर्बाद हो जाएगा, या तो आप आपके सब नौकर बन के रहेंगे, आपकी पूजा करके रहेंगे, और परिवार में ऐसा संभव होता नहीं है 99%, क्योंकि परिवार का अर्थ होता है सबसे मेलजोल बना के चलना, और ऐसे मैंने बहुत साधक देखे हैं जिनका सब परिवार बर्बाद है, सिद्धि है, सब कुछ है, लेकिन आपस में बनते नहीं। ऐसे कुछ ज्योतिषियों के जो बहुत फेमस ज्योतिषी हैं उनकी घर वालों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, हम बड़ा परेशान हैं। वो साधक, वो ज्योतिषी या वो पंडित या वो तांत्रिक तो अपनी उग्रतम शक्तियों के साथ मस्त है, लेकिन उसके घर वालों का क्या हालत है, ये देखने वाली बात है। तो जब हम भगवान भैरव की उपासना करें तो मैं भी जैसे अपने साधकों को, जितने भी गृहस्थ हैं, उनको मैं बोलता हूँ भाई आप भगवान भैरव के बट रूप की उपासना शुरू करिए, सात्विक रूप से करिए, तामसिक से मत करिए। तो कैसे खिलखिलाते हुए, एकदम मस्ती में, आनंद में, बच्चे की तरह बिल्कुल, और उसका परिणाम ये होता है, उसका फल ये मिलता है कि उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, साधना उनकी तीव्र होती चली जाती है, ध्यान के साथ साथ शक्ति बैलेंस होती हुई चलती है, और वो चीजों को समझते हुए चलते हैं, किसी भी शक्ति के आवेश में आके कुछ भी उठपटांग नहीं बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से उठपटांग नहीं बोलेंगे, शक्ति को बैलेंस करके चलेंगे, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए चलेंगे, तो क्यों किसी को कोई हानि होगी। लक्ष्मी का स्वरूप है कि उसको शांति पसंद है, प्रेम पसंद है, जहां तामसिकता होगी, जहां आक्रोश होगा, क्रोध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, वहां दब जाती है। इसीलिए जो आपकी, अगर आप गृहस्थ में हैं और आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है, उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं, और अगर आप गृहस्थ में हैं और अपने लक्ष्मी स्वरूप को, यानी जो आपकी धर्म पत्नी है, उसको आप किसी प्रकार से पीड़ित करते हैं, उसको रुलाते हैं, या उसको दुख होता है आपकी वाणी से, कटु वाणी से, क्योंकि आप तो अपने ऊर्जा के वेग में वाणी से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसकी चोट सामने वाला जो व्यक्ति है उसको इतनी गहरी पहुंच रही है, आप अपना कर्म बंधन बांधते चले जाएंगे, जिसको आपको आगे चुकाना ही होगा। इसीलिए अधिकतर तांत्रिकों की मुक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से काली हैं, उसी प्रकार से शनिदेव हैं, कुछ लोग अघोरी की साधना करते हैं, कुछ लोग किसी और देवता की साधना करते हैं, जितने भी उग्र देवी या देवता हैं, उनका विग्रह रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्वयं बुद्धि विवेक से सोचिए कि अगर आपने एकदम मार काट मचाती हुई कोई छवि किसी देवी या देवता की लगा दी, एकदम क्रुद्ध,
उसको देख के आपको क्या विचार आएगा? कुछ लोग होंगे उनको भय लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इन्हीं की तरह रहूं, और ये चाहे ना चाहे साइकोलॉजिकल इफेक्ट माइंड पे आता ही आता है। कैसे? क्यों आप कोई मधुर सी ध्वनि सुनते हैं, कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है, कितना शांत हो जाता है, कितना आनंदमय हो जाता है। और वहीं जब आप शिव तांडव स्तोत्र सुनते हैं, एकदम जोश में भर जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। क्यों भैरवाष्टक पढ़ते हैं, सुनते हैं, एकदम जोश आ जाता है। और वहीं कोई अगर राम स्तुति पढ़ रहे होते हैं, कृष्ण का कोई भजन सुन रहे होते हैं, कितनी आंखें नम हो जाती है। तो आप भगवान भैरव की या काली की या शनिदेव की या किसी भी उग्र देवता की अगर मूर्ति या विग्रह या कोई आप फोटो रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, लेकिन आप अपने भाव के अनुसार रखिए। जो जिस प्रकार का भाव आप भीतर महसूस करते हैं, जिस प्रकार का भाव आप अपने घर में चाहते हैं, आप उस प्रकार का विग्रह, यानी अगर भैरव जी का रखना चाहते हैं, भैरव जी की मुस्कुराती हुई मूर्ति, मुस्कुराती हुई फोटो, बटुक भैरव रूप में, भगवान बटुक भैरव के बारे में शास्त्रों में कहा, अगर वो देते हैं तो कुबेर भी शर्मा जाता है, इतना धन दे देते हैं अगर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी परीक्षाएं हैं, इतना आसान नहीं है। भगवान भैरव का तो समझना किसी सामान्य मनुष्य जन की बस की बात ही नहीं, जो समझने चलेगा वो फेल हो जाएगा। उनकी तो सिर्फ भक्ति और स्तुति, चालीसा स्तुति, उनके भजन, सिर्फ इतना भी करेंगे तो भी बड़े प्रसन्न होके वो नाचते हुए आते हैं, बहुत प्रसन्न। और जिस प्रकार से वो आते हैं, उसी प्रकार से उनके भक्तगण भी होते हैं, खूब नाचते हुए, मस्ती करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए। अब अगर वही आप उनकी उपासना क्रोध भैरव की करना शुरू कर दें, देखिए क्या भाव है। इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि उनका सामान्य रूप जो बटुक भैरव है वही इतने हठी है, वही इतने क्रोधी है, उनका क्रोध रूप कितना भयानक होगा। अगर वो रीज के प्रसन्न हो गए तो आपकी ऊर्जा, आपका व्यवहार भी उतना ही क्रोधी रहेगा। और क्रोध में आके आप क्या करेंगे? विध्वंस ही तो करेंगे। और विध्वंसक शक्तियां ये थोड़ा देखते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, शक्ति को क्या अर्थ है आपके परिवार से, आपके मित्रों से। तो जो सामने आया, जिसका भाव टेढ़ा मिला, उस पर प्रहार, चाहे वाणी से, चाहे किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी शक्ति के माध्यम से, वो तो स्वतः होता है। आप चलाते थोड़ा ना, वो तो स्वतः हो जाता है। उसी प्रकार से अगर काली की उपासना कर रहे हैं, आप का भोग देंगे, ठीक है, कुछ जो हमने साधना करी है उसमें तो मलमूत्र के माध्यम से भी उनके दर्शन हुए हैं हमें, वो तो बहुत विकट विभत साधना है, जो बहुत दुर्लभ है, जो ऐसे सामान्य कोई घोरी या कृपाली गुरु कराता ही नहीं, वो बहुत दुर्लभ। मैं भी नहीं कराता अपने शिष्यों को, उतनी क्षमता वाली नहीं कोई जिसमें इतना धैर्य हो, जो गुरु के आदेश का पालन करते हुए चलता हो, जो अनंत गुना समर्पित होकर चलता हो। सबकी अपनी अपनी बुद्धि चलती है और गुरु सब देखता रहता है। ठीक है बेटा, तुम अपनी बुद्धि चलाओ, जिस दिन तुम्हारी बुद्धि समाप्त होगी उस दिन हम तुमसे बात करेंगे, इधर तुम बुद्धि चलाओ, इधर हम भी खेलते हैं। गुरु सब जानता है इसको क्या देना है, कब देना है। उसमें कई सारे गुरु के शिष्य रुष्ट भी हो जाते हैं, मेरे से भी बहुत सारे शिष्य रुष्ट हो जाते हैं कि हमें कुछ बताते नहीं, मैं क्या बताऊं, मेरी परीक्षाओं को पास करो, मेरे सामने मर जाओ, और जब मरोगे तभी तो लोगे। ऐसा नहीं हो सकता, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, और अगर ऐसा चाहते हो कि जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, उस प्रकार का गुरु ढूंढ लो जो तुम्हारे नियमों पे चले। मेरी दृष्टि में तो वैसा कोई गुरु होता ही नहीं, अगर गुरु होगा तो तुम्हें अपने नियमों पे चलाएगा। तुम अपने नियमों पे उसको चलाओ, अपने बहानों से उसको घुमाओ, तो फिर गुरु अगर समझदार होगा तो वो भी तुमको घुमाएगा। ठीक है बेटा, तुम घुमा रहे हो, तुम घूमो फिर। और जो पूर्ण समर्पित होके गुरु के समीप बैठ के चाहता है कि मुझे ये उपासना करने का अवसर मिले, तो उसको बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, उसको स्वतः मिल जाता है।
सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। टू टॉक टू गुरुदेव जी, ओपन गूगल प्ले स्टोर नाउ, सर्च कॉल मी फॉर एप्लीकेशन एंड डाउनलोड इट नाउ, रजिस्टर योर प्रोफाइल एंड रिचार्ज इट नाउ, सर्च फॉर श्री तारामणि जी एंड डायरेक्टली टॉक टू गुरुदेव जी एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम।